मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार से, योगी सरकार से, या तो आज निर्णय ले ले कि उन्हें फांसी सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा शक्ति दल नहीं पूरे बहुजन समाज के संगठन जेल में से घुस के उन 5000 रुपए को जान से मारने काम करेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए। नरेंद्र मोदी सरकार से, योगी सरकार से, या तो आज निर्णय ले ले कि उन्हें फांसी सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा शक्ति दल नहीं पूरे बहुजन समाज के संगठन जेल में से घुस के उन 5000 रुपए को जान से मारने काम करेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए। और रही बात इंसाफ की, तो इंसाफ शादियों मांगने से नहीं मिलता। हम लोग उनके घर में घुस कर इंसाफ से काम करेंगे। और ये जो निर्णय है, ये वो वाली समाज है, मैं कहना चाहूंगा वाली समाज के लोगों से जो पीजे के अंदर बैठ के काम करते हैं, कि आप अपनी ताकत को भूल गए, वो छुरी वो तलवार बाहर निकाल लीजिए। अगर प्रशासन के लोग हमारे लिए काम नहीं करना चाहते तो साथियों, ये मनुस्मृति लागू है, ये संविधान का दुरुपयोग है। आज 15 दिन हो गए वो बहन बेटी इंसाफ के तरफ की रही और शब्द उसकी हत्या कर दी गई। उन डॉक्टरों का नाम उजागर करे, शब्द अस्पताल के आला अधिकारी, किन लोगों ने उसका पास इलाज किया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि जैसे हैदराबाद में डॉक्टर लेडी के जो अपराधी उनका एनकाउंटर किया गया, इसी प्रकार पे इनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। कितना सही मानते हैं आप? अगर पुलिस वास्तव पुलिस के अंदर अपनी इंसानियत जिंदा है तो एनकाउंटर करे, और जो न्यायाधीश में बैठे जज साहब उनके अंदर इंसानियत जिंदा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 10 दिन के अंदर आश्वासन दे करके उन्हें फांसी की मांग की जाए। अगर किसी जज की बेटी होती, किसी आईएएस आईपीएस की बेटी होती, तो साथ ही अब से पहले वो एनकाउंटर हो गया जाता। लेकिन ये एक वाल्मीकि समाज की बेटी है, उस समाज को सिर्फ इन्होंने ये समझा के दबा कुचला है। और मैं अपने वाल्मीकि भाई से कहना चाहता हूँ, अपने घरों से वो हथियार निकाल लीजिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो लड़ाई उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में आर पार की होगी। और युवा शक्ति दल उन अपराधियों घर में घुस के मानते काम करेगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। योगी सरकार से या न्यायपालिका से आपको विश्वास है कि न्याय मिल पाएगा? अगर 5 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, अगर 24 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार कोई एक्शन लेती है तो हमारा न्यायपालिका विश्वास है, अन्यथा न्यायपालिका ये तय नहीं कर पाएगी कि इंसाफ हमें कैसे लेना है। फिर इंसाफ हम स्वयं अपने हाथ से लेंगे और डंडे की चोट पे लेंगे। लेकिन बीजेपी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लाखों बहन बेटियों के रेप बलात्कार हो रहे हैं जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है। अगर ये बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ाओ है तो नहीं चाहिए हमें नरेंद्र मोदी के नारे, नहीं चाहिए बीजेपी सरकार के नारे। जहाँ पर बेटी को आए दिन कोई पेंशन बनवाने बेटी जाती है, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने बेटी जाती है, तो उस बेटी को घर वापस लौट के नहीं आती। तो ये मात्र एक नारे बन के रह गए। और इन्हीं गुंडों ने जो नारे दे रहे थे, इन्होंने ही भाई इस बहन की हत्या की गई, इसका बलात्कार किया गया। ऐसे कितने मामले हैं जो आज तक उजागर नहीं हुए, वो मान सम्मान में अपनी इज्जत के मारे दबा दिए गए। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं पूरे देश से आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटे सम्मान के लिए, मैंने पहले भी कहा कि जब कुत्ते बिल्ली ज़्यादा हो जाएं, तो अगर खेत खलिहान में आप जाती हैं तो अपने हाथ में दाती खुरपे रखें, क्योंकि इस सरकार पे अब हमारा भरोसा नहीं रहा। तो अपने सेल्फ डिफेंस में दाती खुरपे खसले अपने साथ लेकर चलें, जिससे कि हम न्याय की बात कर सकें। क्या लगता है आपको, एक दिल्ली में निर्भया होता है, एक निर्भया हाथरस में होता, दोनों में अंतर क्या? लेकिन निर्भया भी हमारे समाज की बेटी है, लेकिन जहाँ पर न्यायपालिका के लोग, प्रशासन के लोग जाति देखकर न्याय की बात करें तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा हुआ, कांग्रेसी सरकार तक गिर गई, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में डेली एक निर्भया दोहराई जाती है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है, रेप किया जाता है, यहाँ तक कि जीभ काट दी जाती है। लेकिन प्रशासन के लोग जाति देख करके हम लोगों को दबाने का काम करते हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर, आपने भी कंगना का जिक्र किया, कंगना कह रही कि जातिवाद तो खत्म हो गया देश में, तो आज कंगना आई हाथरस जाकर देखें, जो कहती है कि जाति को देखकर कि जाति खत्म हो गई है। कंगना का एक घर क्या टूटा तो पूरे देश में भौचाल आ गया। और यहाँ पर आए दिन घर उजड़ते हैं, बहन बेटों की इज्जत टूटती है, जब तो कोई कंगना ट्यूट नहीं करती, जब अपने में बीती तो पता लगा कि शोषण कैसा होता है। और जो आए दिन ये बहुजन समाज जो खेत खलियानों में काम करता है, रात दिन इनकी मलिन बस्तियों में जाकर के इनका साफ करने काम करता है, उनके दिन आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये हम बताए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ये सोच ले कि बारिश तो बहुत दूर है, हमने पढ़ा है बहुजन महापुरुषों को, इसका रिजल्ट हम 24 घंटे में देने काम करेंगे। अगर हमारे साथ निर्णय नहीं आया और प्रशासन ऐसा डिसीजन नहीं लिया तो चलिए ठीक।